ही गाइज वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल इंस्टेंट अपडेट्स। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर काफी सारी अमेजिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बाइनेंस की। बाइनेंस दो एडिशनल फीचर्स यहाँ पर लेके आ सकता है। पहला जो यहाँ पर फीचर है वो है स्टेबल कॉइन का। रिसेंटली स्टेबल कॉइन को देखा जाए तो एक अलग ही मार्केट बन गया, जहाँ पर हर कोई इस मार्केट को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिटफिनिक्स तो देखते हैं, तो बिटफिनिक्स का खुद का अपना टेथर USDT सबसे पहला स्टेबल कॉइन है। एंड उसके बाद अगर आप कॉइन बेस को देखते हैं या सर्कल पोलोनिक्स को देखते हैं, तो उनका खुद का स्टेबल कॉइन है USDC। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड यहाँ पर रिसेंटली क्रिप्टो बैटमैन करके एक ट्विटर पे अकाउंट है जिन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी थी कि बाइनेंस को भी शायद अपना खुद का स्टेबल कॉइन इशू करना चाहिए, खुद की बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनेंस चेन के ऊपर। तो इसके ऊपर यहाँ पर CZ ने रिप्लाई करा था, जो CEO है बाइनेंस के ऊपर, कि केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। एंड बेसिकली ये चीज़ तब ये लिखते हैं, ये एक लाइन इन्होंने ऐसी बना रखी है कि जो चीज़ ये फ्यूचर में ऐड करने वाले होते हैं और उसके बारे में कोई मेंशन करता है तो वहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं। जैसे पास्ट के अंदर रिपल के साथ ऐसा हुआ था कि रिपल के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि रिपल के पेयर्स वगैरह ऐड होने चाहिए और बाइनेंस के ऊपर, तो वहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी और फिर वो पेयर्स ऐड हो गए थे। फिर उसके बाद यूरोप के अंदर फिएट करेंसी को लेके एक्सचेंजेस ओपन होने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी, वही थी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बाइंग BTC वगैरह, उसके लिए भी लोगों ने रिक्वेस्ट करा, वहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी थी एंड बाद में वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सिमिलरली यहाँ पर अब स्टेबल कॉइन को भी लेकर इन्होंने ये चीज़ लिखी, जिससे काफ़ी लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बाइनेंस शायद यहाँ पर अपना स्टेबल कॉइन ला सकता है आगे जाके। मे बी BUSD उसका नाम है, वो बाइनेंस USD, बट आई डोंट नो मेरा मतलब कैसे। तो फ्यूचर में आ सकता है एंड डेफिनेटली स्टेबल कॉइन्स को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जो करंटली USDT लीड कर रहा है। एंड USDT का जो रिसेंट न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के साथ केस हो रहा है एंड सारी चीज़ें, $850 मिलियन जो मिसिंग हुए हैं उसका पूरा केस हुआ है, उसके बाद बहुत स्कोप बढ़ गया है नए स्टेबल कॉइन्स को ग्रो करने के लिए। तो आई थिंक बाइनेंस भी यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं, वो भी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह से इसको क्रैक करें, क्योंकि बहुत सारे के सारे जितने अभी बाकी स्टेबल कॉइन्स है दे आर ट्राइंग टू एक्वायर दिस मार्केट स्टेबल कॉइन का, जस्ट बिकॉज अभी टेथर के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लेट्स सी बाइनेंस का स्टेबल कॉइन यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। बाकी एक और अपडेट है जो यहाँ पर बाइनेंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड अगर आपको याद हो, आज से 1.5 महीने पहले एक रेडिट के ऊपर पोस्ट आया था जहाँ पर एक यूज़र ने ये मेंशन करा था कि वो बाइनेंस की API की देख रहे थे और उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि बाइनेंस के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग का फंक्शन ऐड हो गया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि अराउंड 482 ट्रेडिंग पेयर्स हैं बाइनेंस के ऊपर, जिसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग जो करंट एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है बाइनेंस के ऊपर वो इनेबल्ड है, प्लस यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग भी ऐड हो गई है लेकिन उसका फंक्शन डिसेबल्ड है, मतलब कोई मार्जिन ट्रेडिंग कर नहीं सकता। तो इसको देख के इट मेक सेंस, हो सकता है फ्यूचर के अंदर यहाँ पर बाइनेंस मार्जिन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंट अलग मार्केट है, जहाँ पर बिटफिनिक्स सबसे पहले आया था मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी में, बहुत इन्होंने वॉल्यूम जनरेट किया, बहुत पैसे कमाए। OKX भी इसके अंदर आ गया, इन्होंने करंटली 100X वाले लेवरेज भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें मार्जिन ट्रेडिंग। बिटमेक्स इतने टाइम से है जो इतनी लेवरेज ट्रेडिंग ऑफर करता है, एंड दीज गाइज आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ये जितनी भी एक्सचेंज है बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इस चीज़ के अंदर बाइनेंस इज मिसिंग आउट, एंड अभी बाइनेंस ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्पॉट ट्रेडिंग का एक्सचेंज बन चुका है, तो वहाँ पर बहुत स्कोप है एक दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने का लेवरेज ट्रेडिंग को लेके और कस्टमर्स को लाने, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के अंदर ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस के लिए भी बड़ा अच्छा स्कोप है उसके अंदर ग्रो करने के लिए। तो ये आज से 1 महीने पहले यहाँ पर पोस्ट हुआ था, लेकिन रिसेंटली एक नया पोस्ट रेडिट के ऊपर और आया जो क्रिप्टो नर्ड करके यूजर ने यहाँ पर पोस्ट किया है। एंड इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी कि यहाँ पर जो बाइनेंस की API है उसके अंदर, जहाँ पर पहले जो प्रीवियस पोस्ट था जहाँ पर ये मेंशन हुआ था कि मार्जिन ट्रेडिंग ऐड हो गई है लेकिन डिसेबल्ड है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली चेक किया और इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 9 ऐसे पेयर्स हैं जिसके ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग एक तरह से अलाउड हो चुकी है। एंड वो जो यहाँ पर पेयर्स इन्होंने मेंशन करे, 9 पेयर्स, वो है BTC, BNB, इथीरियम, TRX, XRP, इनका BTC एंड USDT के अंदर पेयर। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है एंड आई वॉन्टेड टू चेक कि भाई इन्होंने पोस्ट तो कराए बट सही में ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वो ये है कि यहाँ पर जो बाइनेंस का आप वाइट पेपर देखते हैं, इस वाइट पेपर के अंदर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाइनेंस ने यहाँ पर प्रॉमिस करा था कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर ये रोल आउट कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो ये प्लान में था, प्लस CZ ने अपनी काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ के अंदर भी बोला था कि मार्जिन ट्रेडिंग हम ला सकते हैं बट लेट्स सी कब तक हम उसको लेके आते हैं। तो अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर, जैसे इन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ पर इनेबल हुआ है API की के अंदर, तो आई वांटेड टू चेक कि सही में भाई इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर बाइनेंस का जो API इन्फॉर्मेशन है यहाँ से निकाली, आप खुद भी यहाँ पर से निकाल सकते हैं, पूरा आपको कोड मिल जाएगा। इसको अगर आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर नोटपैड के ऊपर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि सही में यहाँ पर पेयर्स ऐड हुए हैं कि नहीं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं BNB BTC का पेयर देखते हैं, तो जब हम BNB BTC का पेयर यहाँ पर देखेंगे तो सर्च करते हैं BNB BTC, तो ये रहा BNB BTC।
अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर यह चीज मेंशन है, इज स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड? ट्रू, स्पॉट ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग अलाउड है। इज मार्जिन ट्रेडिंग अलाउड? ट्रू, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग भी यहां पर अलाउड है। एंड ये डिफरेंस देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ बीएनबी या फिर जो ये पेयर्स हैं इन्हीं के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग में ट्रू लिखा हुआ है या सब में ट्रू लिखा हुआ है और हम गलत पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर एक और चीज दिखाता हूं। यहां पर हम एक और कॉइन को पिक करते हैं इसके नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं नियो को, नियो बीटीसी का यहां पर पेयर हो गया। अब इसके ऊपर देखते हैं कि यहां पर भी मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर ट्रू लिखा है क्या लिखा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो लेट्स सी, इज स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड? ट्रू, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड है। इज मार्जिन ट्रेडिंग अलाउड? फॉल्स, मतलब नहीं एक्टिव है। तो ऐसे मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो ये पेयर्स है, मैंने सारे पेयर्स चेक करें, सिर्फ इन्हीं पेयर्स के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो ट्रू लिखा हुआ है इज मार्जिन ट्रेडिंग अलाउड के आगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग ओवर 400 पेयर्स हैं उसके ऊपर इज मार्जिन ट्रेडिंग अलाउड के आगे फॉल्स लिखा हुआ है। तो आई फील ये जो न्यूज़ है यहाँ पर इट चेक्स आउट। एंड यहाँ पर सीजी ने एक यहाँ पर पोस्ट और भी डाला था कि क्राउड इंटेलिजेंस इज अमेजिंग, एंड यही जो यहाँ पर रेडिट का पोस्ट है इसको टैग किया था, बट इससे कुडंट मेक आउट कि कितना ट्रू है क्या है। बट नाउ आई एम श्योर कि यहाँ पर जल्दी ही, बहुत जल्दी बाइनेंस के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग आ सकती है। एंड अगर मार्जिन ट्रेडिंग एंड स्टेबल कॉइन की न्यूज़ बहुत ही जल्दी अगर एकदम से अनाउंसमेंट होता है तो उससे बीएनबी के प्राइस के अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी इज़ डेफिनेटली ए कॉइन जिस पे थोड़ा सा आप नज़र रखना। तो अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिटफिनिक्स करने वाला है अपना खुद का आईओ, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल क्या रहा है, अगर आपने जो मिस किया तो उसके बारे में छोटा सा आपको अपडेट देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों हुआ यहाँ पर ये कि आईफिनिक्स जो है वो है पेरेंट कंपनी बिटफिनिक्स और टेथर की। बिटफिनिक्स क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो लेट 2012 में आया था और काफ़ी मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करके काफ़ी सक्सेसफुल बना, लार्ज वॉल्यूम इनको काफ़ी इनके पास रहता है। एंड फिर बाद में टेथर इंट्रोड्यूस हुआ जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बेसिकली बिटफिनिक्स के काफ़ी सारे को फाउंडर्स का था। एंड यहाँ पर टेथर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इस कंपनी के अकॉर्डिंग ये था बेसिकली कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक स्टेबल कॉइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो स्टेबल कॉइन जो होगा उसकी हमेशा बैकिंग होगी $1 से। मतलब अगर एक USDT बनता है तो उसके बदले में $1 ये अपने कहीं बैंक के रिजर्व के अंदर रखेंगे हमेशा बैक करने के लिए, मतलब इट विल बी 100% बैक्ड। ये बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट था टेथर का। अब हुआ यहाँ पर ये कि बेसिकली बिटफिनिक्स एंड टेथर की जब बात आती है तो जब बैंकिंग चैनल्स की बात हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो बैंक्स इतने फ्रेंडली नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर टेथर है, USDT आपके पास है 1000 और आपको उसको रिडीम करना है और अपने बैंक में पैसे डालने हैं, तो आप टेथर के थ्रू वो चीज़ कर सकते हो कि USDT आपने डॉलर में परचेस कर लिया, जब आपको बाहर निकलना है आपने USDT वापस रिडीम करवाया वहाँ पर और अपने बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। तो उसके लिए इनको यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी सारी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करी बट लेटर ऑन सारे बैंक्स ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम आपको सर्विस नहीं दे सकते क्योंकि रेगुलेशन वाइज या आपके पास कोई लाइसेंसेज वगैरह नहीं है लीगली आपने मतलब ऑथराइज ट्रांसफर वगैरह के लिए, जब तक आप वो लेते नहीं हो वी कांट हेल्प यू। तो यहाँ पर बेसिकली फिर बिटफिनिक्स पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इन्होंने यहाँ पर अप्रोच किया क्रिप्टो कैपिटल को, जो एक परामा बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली ये ऐसे बिजनेस को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनको नॉर्मली बैंक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो अब यहाँ पर जो बिटफिनिक्स था उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल को अप्रोच किया कि भाई बैंकिंग सर्विसेज तो हमको कहीं से मिल नहीं रही तो आप ही हमको सोल्यूशन दे दो, आप हमारे जो बैंकिंग ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप हमको हेल्प कर देना। एंड क्रिप्टो कैपिटल ने यहाँ पर अग्री कर लिया। अब हुआ यहाँ पर यह कि क्रिप्टो कैपिटल है बड़ा शेडी एक कंपनी, क्योंकि अगर देखा जाए क्रिप्टो कैपिटल के अगर आप पास्ट के देखोगे एक्सचेंजेस जिनको इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, एक है क्वाड्रिका CX, ये ऐसा एक्सचेंज था कनेडियन एक्सचेंज जिसके बारे में न्यूज़ में काफ़ी आपने पढ़ा होगा, इंडिया में बंदा आया था उसका ओनर घूमने के लिए उसकी यहाँ पर डेथ हो गई और जो फंड्स है पूरे के पूरे वो गायब हो गए हैं, तो उसको लेके भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी। ये भी यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल की सर्विसेज यहाँ पर यूज़ करता था, पूरे फंड्स गायब हो गए थे। अब बिटफिनिक्स और टेथर के साथ यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर $850 मिलियन जो थे क्रिप्टो कैपिटल के थ्रू यहाँ से गायब हो गए, जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्फिस्केट कर दिया। कभी कभी ये बोला जाता है कि पोर्चुगल ने कर दिया, कभी पोलैंड ने कर दिया, कभी किसी और कंट्री ने कर दिया, ये यहाँ पर बेसिकली इनकी स्टेटमेंट थी। बिटफिनिक्स ने यहाँ पर ट्राई करा क्रिप्टो कैपिटल से बात करके कि भाई हमारा तुम जो 850 मिलियन डॉलर्स है उसको छोड़ो नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर, बिटकॉइन की प्राइस $1000 तक गिर सकती है अगर ये इशू जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं हुआ, इट विल बी रियली बिग, क्योंकि USDT एक बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ कोलैप्स हो सकता है।
तो उसके बाद फिर अब हुआ ये कि क्रिप्टो कैपिटल किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि फंड्स तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब फ्रीज हो चुके हैं, तो वी कांट हेल्प यू आउट। तो इसके ऊपर हमेशा मिस्ट्री रही कि सही में फंड्स फ्रीज हुए हैं या अटके हैं या क्या हुआ है, कुछ इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लस यहाँ पर क्वाड्रिका CX का नाम देख के भी इतना कुछ मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते इनके ऊपर। तो अब हुआ यहाँ पर ये कि टेथर की जो बैकिंग है वो हमेशा $1 से रहती है, तो $850 मिलियन तो यहीं पर गायब हो गए। तो जो बैकिंग थी अब वो खतरे में आ गई कि $850 मिलियन यहाँ पर गायब हो गए। एंड बिटफिनिक्स के पास फंड्स की हालत खराब हो गई कि भाई $850 मिलियन हमारे यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल के पास चले गए। आपको याद होगा लास्ट नवंबर के अराउंड भी ये काफ़ी न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर बिटफिनिक्स के पास पैसे नहीं है एंड हो सकता है एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इस पूरे केस से इशू था। वहाँ पर बिटफिनिक्स ने अपने आप को कैसे सेव किया, वहाँ पर उन्होंने ऐसे सेव किया कि इन दी एंड क्योंकि आईफिनिक्स इनकी पेरेंट कंपनी है, बिटफिनिक्स टेथर रिलेटेड है, तो यहाँ पर हुआ क्या, बिटफिनिक्स ने यहाँ पर टेथर से $850 मिलियन जो है वो इशू करवा लिए। अब उन्होंने जब ये इशू करवा लिए तो एक तरह से उनके जो नॉर्मल एक्सचेंजेस के जो प्रोसेस वगैरह थे, जो पेमेंट्स वगैरह करवाने थे, वो नॉर्मली करवा पाए। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या, टेथर की जो यहाँ पर बैकिंग होनी चाहिए थी कि एक USDT जो है उसके पीछे एस्क्रो में किसी बैंक के अंदर एक USD होना चाहिए, वो हट गई क्योंकि $850 मिलियन तो यहीं गायब हो गए। एंड अब बिटफिनिक्स ने उसको फिल करने के लिए लोन ले लिया टेथर से, जिसके बदले में उन्होंने कुछ USD वगैरह पे तो करा नहीं। तो टेथर की जो 1:1 की बैकिंग थी वो तो वहीं कोलैप्स हो गई। एंड ये सारी जब चीज़ें हुई तो इन्होंने कुछ ओपनली बताया नहीं कि हमारे साथ ऐसा केस हुआ है कि $850 मिलियन हमारे यहाँ से गायब हो गए हैं या पकड़े गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है और इसलिए हमने टेथर से लोन लिया। इसके बारे में इन्होंने ओपनली कोई चीज़ बोली नहीं, विच वॉज रियली वरीसम। अब हुआ यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो न्यूयॉर्क के अंदर अटर्नी जनरल ने, इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, यानी इन्होंने इसी के ऊपर यहाँ पर इनको एक्यूज़ करा है कि $850 मिलियन का ये केस आपके साथ हुआ था, जहाँ पर टेथर के आपने फंड्स यहाँ पर रखे थे बैंकिंग चैनल्स के लिए, वो पैसे अटक गए या गायब हो गए जो भी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, प्लस आपने खुद के पैसे इशू करवा लिए टेथर से, तो दैट इज़ नॉट राइट एंड इन अ वे इट इज़ अ फ्रॉड। तो ये यहाँ पर इनके ये एक्यूजेशन है जो अब सामने निकल के आए हैं, जिसकी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही है। एंड इसी के लिए न्यूयॉर्क अटर्नी जनरल यहाँ पर इनसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि भाई हमको बताओ, तुम पूरा इन्फॉर्मेशन दो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एंड काफ़ी सारे एक्यूजेशन लगे हैं कि आप कैसे छुपा सकते हो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है। प्लस एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर और हुआ है कि यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल जो है, क्रिप्टो कैपिटल इज ओन्ड बाय ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस, एंड ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के जो ओनर हैं उनको रिसेंटली यहाँ पर उनके ऊपर फ्रॉड चार्जेस लगे हैं। वो है XNFL ओनर यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मतलब ही इज टाइड टू 850 मिलियन क्रिप्टो मिस्ट्री जो यहाँ पर गायब हो गए हैं बिटफिनिक्स के। एंड इनका नाम है रेजी फॉलर, ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्टिंग से करते हुए हैं। और प्लस इन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल जो है इसके ओनर भी ये खुद ही हैं, जहाँ पर ये ऐसे बिजनेसेस जिनको बैंक्स नॉर्मली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को ये अपने थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इनके ऊपर एक्यूजेशन ये लगा है कि बेसिकली ये न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे बैंक्स ओपन करते हैं, उसके अंदर अकाउंट ओपन करते हैं, ये बोल के कि हमारा रियल इस्टेट का बिजनेस है तो वो पैसा आएगा, उसके लिए हमको बैंकिंग चैनल्स ओपन कर रहे हैं, तो अमाउंट बड़ा आ सकता है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली। और बैंक में जब आप कुछ अपना बिजनेस बताते हो तो यू हैव टू बी श्योर कि उसी तरह का पैसा आना चाहिए, रियल इस्टेट का है तो रियल इस्टेट का ही आना चाहिए, मतलब अनऑथराइज्ड मनी, अनलाइसेंस्ड मनी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस के पैसे वगैरह ट्रांसफर वगैरह हैं वो क्रिप्टो कैपिटल अपने थ्रू यहाँ पर करते थे, एंड वही चीज़ यहाँ पर अब न्यूयॉर्क के अंदर पकड़ी गई है, जो बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया, अटर्नी जनरल ने भी यहाँ पकड़ लिया। अब इनके ऊपर इस चीज़ के फ्रॉड चार्जेस लग रहे हैं कि तुमने झूठ बोला कि रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए करना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का अनलाइसेंस्ड मनी को लेकर ट्रांसफर कर रहे थे। एंड ये भी अब यहाँ पर लिंक्ड होता है बिटफिनिक्स के साथ, टेथर की पूरी मिस्ट्री के साथ। तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये, एंड इफ़ यू लुक डीप इनटू इट, क्योंकि बिटफिनिक्स टेथर बहुत पहले टाइम से, 2012 से, जो लास्ट बुल मार्केट आया था 2013 का, उससे पहले भी बिटफिनिक्स यहाँ पर आया था, तो उसके ऊपर आई वॉज डूइंग रिसर्च एंड इतनी सारी चीज़ें मेरे को पता चली हैं। मतलब इन अ वे एवरीबडी इज इन्वॉल्व, जो भी लोग हैं सब इन्वॉल्व हैं। मतलब मेरे को तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, लेकिन मैं उसको किसी डिफरेंट वीडियो के अंदर कवर करूंगा, एंड डेफिनेटली आपको भी बहुत सारी चीज़ें, शॉकिंग चीज़ें पता चलेंगी, तो सम अदर डे उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अब बिटफिनिक्स का पूरा ये केस हो गया, जहाँ पर अब $850 मिलियन जो है बिटफिनिक्स के यहाँ पर गायब है। और अभी यहाँ पर टेथर के अंदर जो मिसिंग फंड्स हैं उसको लेके भी इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दिए कि टेथर जो है 1:1 अब बैक्ड नहीं है, हमारा जो पूरी बैकिंग है वो कुछ USD के अंदर है, कुछ अलग एसेट्स के अंदर है, कुछ क्रिप्टो एसेट्स के अंदर है, एंड वो भी बैकिंग अगर टोटल देखी जाए तो सिर्फ 74% जो हमने USDT इशू करें उसको हम बैक कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग अभी बैक नहीं है। लेकिन वी फील जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इतना नौबत नहीं आएगी कि सबके सब एकदम से विड्रॉ करने के लिए आएंगे। तो इससे फिर ये चीज़ और लोगों को शॉक मिल गया कि यहाँ पर 1:1 की जो बैकिंग होनी चाहिए थी वो है ही नहीं, वो गायब हो गई, वो 74 हो गई। और वो 74 भी जो बैकिंग है वो भी सिर्फ USD में नहीं है, वो मिक्सचर में है, अलग क्रिप्टो एसेट्स में, USD में, शेयर्स, इक्विटी। सो दैट वॉज अ कंसर्न।
तो अब उस बेसिस पे इनके 850 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर गायब थे। अब उसके ऊपर फिर ये इन्फॉर्मेशन आने लग गई कि बिटफिनिक्स अपना खुद का एक आईओ करने वाले हैं, जहाँ पर शायद ये 1 बिलियन डॉलर्स रेस करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो 1 बिलियन डॉलर्स रेस करना चाह रहे हैं, क्या ये टेथर को जो इन्होंने 850 मिलियन डॉलर्स लिए थे लोन पे, उसको पे बैक करने के लिए करना चाहते हैं ताकि वापस टेथर की 1:1 की बैकिंग आ जाए एंड ये जो सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स इनके लिए यहाँ पर हो रहे हैं उससे थोड़ा छुटकारा मिले के लिए, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी करके एक ट्विटर अकाउंट है जिन्होंने इस चीज़ के बारे में पोस्ट करा है कि यहाँ पर बिटफिनिक्स अपना आईओ करने वाला है। इसके बारे में लास्ट फ्यू डेज से ही अपडेट दे रहे हैं कि ये होने वाला है एंड यहाँ पर इन्होंने ये भी वाइट पेपर जो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पोस्ट किया है, आई फिनिक्स इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आई फिनिक्स टेथर एंड बिटफिनिक्स की जो पेरेंट कंपनी है वो उनका यहाँ पर आईओ होने वाला है एंड ये उसका वाइट पेपर है जिसका स्क्रीनशॉट डाला है। यहाँ पर एलिस्टर भी हैं जो आई फिनिक्स के साथ स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ही इज़ वेरी वेल नोन इन क्रिप्टो स्पेस। तो इन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी थी कि क्रिप्टो ट्विटर इज़ गोइंग टू गो क्रेजी टुडे, LEO बिटफिनिक्स। तो लियो करके कोई टोकन है जो यहाँ पर लॉन्च होने वाला है इस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 1 बिलियन डॉलर्स रेज करने की कोशिश करेंगे एंड 300 मिलियन डॉलर्स के ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इनके पास आ चुके हैं अलग अलग ग्रुप से जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आगे क्या न्यूज़ आती है कि इनकी पब्लिक ऑफरिंग होती है या फिर ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स से ही पैसा उठाएंगे, क्या होगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट दिस इज ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो मैंने न्यूज़ यहाँ पर कवर करी है एंड लुकिंग एट कल कितना प्राइस के अंदर डिफरेंस था, कितना प्रीमियम डिफरेंस था बिटफिनिक्स के ऊपर, जो मैंने कल ट्वीट के थ्रू भी यहाँ पर कवर किया था कि बिटफिनिक्स के ऊपर अगर देखा जाए तो BTC बहुत खतरनाक तरीके से वॉल्यूम पे एकदम से पंप हो रहा था, विच वॉज ऑल ऑफ अ सडन एंड इट वॉज क्रेजी। नॉर्मली अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं होती है एंड इट वुड हैव हैपन्ड तो उसमें चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन जिस तरह से सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है, पहले यहाँ पर इनके 850 मिलियन डॉलर्स गायब हो गए, उसके ऊपर यहाँ पर केस पकड़ में यहाँ पर आ रहा है जहाँ एक न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल, न्यूयॉर्क वाले इतनी इजीली छोड़ते नहीं है, उनका केस यहाँ पर आ रहा है, प्लस यहाँ पर जो क्रिप्टो कैपिटल को रन करता था उस बंदे के ऊपर फ्रॉड चार्जेस यहाँ पर लग गया, जो बंदा यहाँ पर लिंक भी है एक तरह से इस पूरा 850 मिलियन डॉलर जो यहाँ पर गायब हुए हैं, प्लस यहाँ पर बिटफिनिक्स अपना खुद का आईओ भी लेके आने वाला है और 1 बिलियन डॉलर्स रेज करने की कोशिश कर रहा है एंड एट द सेम टाइम एकदम से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा मैसिव डिफरेंस USDT पेयर के अंदर, अगर USD एंड USDT के अंदर पेयर आता तो डिफरेंस समझ में आता, लेकिन ये USDT पेयर के अंदर डिफरेंस है तो डेफिनेटली समथिंग वॉज क्रेजी, समथिंग वॉज हैपनिंग। बट बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो सब वैसे ही खुश होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज गुड। तो ओवरऑल दोस्तों ये अपडेट्स है, आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है मेरे को आप ये बताना। ओवरऑल पहले तो बाइनेंस के जो मार्जिन ट्रेडिंग एंड उनका खुद का BUSD, मेरे ख्याल से मैं तो BUSD ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को बोलने में, वो अगर वो स्टेबल कॉइन लेके आते हैं एंड ये बिटफिनिक्स का इंटायर जो केस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है कल एकदम से जो प्राइस राइज हुई उसके ऊपर आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है, पूरा ये जो केस हो रहा है यहाँ पर बिटफिनिक्स को लेके जो इतना बड़ा, मतलब इट इज़ सो क्रेजी, मैं इसको सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एंड ये जो यहाँ पर आई फिनिक्स का इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आने वाला है बिटफिनिक्स एंड टेथर की पेरेंट कंपनी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट्स डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी एंड चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।